नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड ब्रांच से भेज करके कार्ड को अप्रूव करवा लिया, 1,10,000 की लिमिट मिल गई। आज आपको हम बताने वाले हैं, अगर आपके पास आईटीआर 5 लाख से कम का है तो आप कैसे आईसीआईसी बैंक का हाई लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड पा सकते हो, वो भी लो सिविल स्कोर पे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों काफी लोग ऑनलाइन कार्ड अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन कार्ड मिलने में काफी हद तक प्रॉब्लम हो जाता है और उनको क्रेडिट कार्ड जल्दी ऑनलाइन कुछ लोग को बहुत फास्ट मिल जाता है, कुछ लोग को मिलता ही नहीं है। कुछ लोगों के पास पे स्लिप, आईटीआर, सारे इनकम प्रूफ होते हैं। अगर वो कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो उनको लो लिमिट मिल जाती है या तो कार्ड अप्रूव होता ही नहीं है, हाई लिमिट जल्दी नहीं मिलता है और उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा होता है, कभी कभी कुछ ऐसा होता है। आज आपको हम बताएंगे कि अगर आप बैंक से प्रोसेस कर रहे हैं तो बैंक का प्रोसेस और ऑनलाइन वाला प्रोसेस क्यों अलग होता है और आपका जो कार्ड है कैसे आपका ज्यादा सेफ रहेगा ऑफलाइन करने पे और जल्दी कैसे अप्रूव हो सकता है। तो यहाँ पे आज के टाइम में अपने इंडिया में काफी हद तक लोग आईटीआर फाइल करते हैं। दोस्तों सभी लोग जो है 5 लाख से कम का आईटीआर फाइल करते हैं क्योंकि उनको टैक्स पे करना ना पड़े, बच जाए टैक्स पे करने से। और आपको पता है कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके बिहाफ पे लोन, क्रेडिट कार्ड, आप सारी काम जो है आसानी से करवा सकते हैं बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का। फ्रेंड अगर आपके पास आईटीआर 5 लाख से कम का या 5 लाख के ऊपर का है फ्रेंड, तो आप अगर ऑनलाइन कार्ड के लिए ट्राई किए हैं, आपको कार्ड नहीं मिला है, तो आप फ्रेंड चले जाइए ब्रांच में। आपका सिविल स्कोर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको दोस्तों ब्रांच में विजिट करना है, वहां पे आपको बताना है कि मुझे कार्ड अप्लाई करना है। इसके बिहाफ पे आपका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। अगर अकाउंट नहीं है तो भी आप पूछ सकते हैं, विदाउट अकाउंट का भी कार्ड जो है अप्लाई हो जाता है। कि क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट अलग है और बैंक का डिपार्टमेंट अलग होता है, दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, ये बातें याद रखना। यहाँ पे दोस्तों अगर आप जाओगे तो वहां से आपसे इनकम प्रूफ की मांग की जाएगी, आपको आईटीआर वहां पे दिखा देना है। इसके बाद पीडीएफ फाइल आपको निकाल के देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो और इसके बाद जो है आपका सिग्नेचर लगेगा और आपका कार्ड प्रोसेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आपका कार्ड प्रोसेस होता है, वो कार्ड में अप्रूव होने का चांस अधिक रहता है और लिमिट भी हाई मिलने का चांस रहता है। रीजन दोस्तों ये है, बैंक की टीम खुद जो है बैंक से वो डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करती है और इसके बाद जो है आपका एक प्रकार से फिजिकल डॉक्यूमेंट आप वहां पे सबमिट कर रहे हो। इससे दोस्तों कार्ड जो है अप्रूव होने का ज्यादा चांस रहता है, बैंक इस पे लिमिट भी ज्यादा देता है, ये बातें याद रखना। क्योंकि मैंने खुद इसका रिव्यू और रिसर्च किया था, एक बार मैंने ऑनलाइन कार्ड अप्लाई किया और मेरा कार्ड जो है लिमिट भी शो कर गया और डिक्लाइन हो गया। फिर मैंने दोबारा बैंक से किया तो उसी बेस पे मेरा लिमिट हाई मिला और मेरा जो कार्ड है आसानी से अप्रूव भी हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑनलाइन के जो नियम है, रूल है, वो अलग है और ऑफलाइन के नियम और रूल अलग है। हाँ, डॉक्यूमेंट तो सही बैंक के पास ही जाते हैं, सेम जगह जाते हैं, बट दोस्तों दोनों का सिस्टम अलग अलग होता है, ये बातें याद रखना। तो फिर अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप मेरी बात मान के जरूर ऑफलाइन ट्राई करें, अगर आप बार बार ऑनलाइन ट्राई कर चुके हैं दोस्तों किसी टाइप का दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आपका सिविल 700 के ऊपर है या आपका सिविल स्कोर 0 है तो आप ट्राई करना। अगर आपका सिविल स्कोर 0 से और 700 के बीच में है, थोड़ा सा आप 700 के ऊपर करके आप ट्राई करना। इस भाई का जो सिविल स्कोर था 700+ था और 750 के ऊपर भी नहीं था, उसके नीचे ही था, फिर भी कार्ड इनका अप्रूव गया और 1,10,000 की लिमिट अपने आप में काफी हाई होती है। तो आप बताना क्या आपने ऑफलाइन कार्ड इस तरीके से अप्लाई करके लिया था या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। तो वीडियो कैसा लगा और इनके पास जो है इसके बाद बीओबी बैंक कार्ड भी इन्होंने प्रोसेस किया है, वो भी इनका मिलने वाला है, पेटीएम, एचडीएफसी बैंक कार्ड, तो कि इन्होंने जो ट्रिक लगाया आप फॉलो जरूर करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करना, समय शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।